तो देखिए, राजभवन के पास गतिविधियां कितनी तेज हो गई हैं। बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो सीएम आवास पहुंच चुके थे और अब जो काफिला है बीजेपी, देखिए सीएम नीतीश कुमार खुद जा रहे हैं राजभवन की तरफ और साथ साथ बीजेपी की वो तमाम नेता, देखिए विजय चौधरी भी साथ में जा रहे हैं नीतीश कुमार के। और आपको बताएं कि बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वे सभी के सभी एक साथ राजभवन की तरफ कूच कर रहे हैं ताकि जो समर्थन पत्र है, बीजेपी का जो समर्थन पत्र है वो दिया जा सके। और देखिए सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं राजभवन के अंदर और साथ में विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, बीजेपी के वो तमाम नेता मौजूद हैं जो समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे, जिसके बाद बहुमत जो है वो सिद्ध हो पाएगा। तो ये सीधे तस्वीरें आपको राजभवन के बाहर से हम दिखा रहे हैं, जो एक अड़े मार्ग से वो तमाम नेता जो हैं वो एक साथ जा रहे हैं राजभवन के अंदर। तो आप तस्वीर देखिए किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। और इस बीच नीतीश कुमार जो हैं वो राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। समर्थन पत्र उनके पास है, बीजेपी का समर्थन पत्र, जिसके मार्फत बिहार में जो अगली सरकार एनडीए की सरकार जो है वो बनने जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो क्राउड गैदरिंग है वो यहाँ पर राजभवन के बाहर आपको देखने को मिल रहा है। सीएम नीतीश जो है वो राजभवन के अंदर जा चुके हैं, बीजेपी के तमाम विधायक उनके आवास पर पहुँचे, उनको समर्थन पत्र सौंपते हैं, जिस समर्थन पत्र में वो संख्या है जिससे बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। तो बिहार में तख्ता पलट हो चुका है, तेजस्वी यादव सरकार के बाहर हो चुके हैं, दो नए डिप्टी सीएम जो बिहार को मिलने जा रहे हैं, जो खबर अभी तक आई है वो विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, यही दोनों बिहार के अगले डेप्यूटी सीएम होने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार खुद रहेंगे। तो एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर बिहार में देखने को मिला। सीएम नीतीश जो है वो सीएम दोबारा बने, मतलब तिबारा बने 2020 के बाद आप कहिए, और एनडीए की वापसी सत्ता में होने जा रही है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव को भी बड़े स्तर पर प्रभावित करेगी। और यही मिशन भी था, और तो आपको दिखा रहे हैं, देखिए बैरिकेडिंग जो है वो अब उस तरफ जा रहा है। जरा दिखा दीजिए आदेश जी, किस तरीके से जो सुरक्षा बल है, पुलिस बल है, वो बैरिकेडिंग को उस तरफ ले जा रहा है, ताकि चूंकि वो जो एंट्री गेट था उधर से बैरिकेडिंग जा रहा है एग्जिट गेट की तरफ। और ये सीधा मतलब है कि समर्थन पत्र सौंप कर नीतीश कुमार जो हैं वो उस तरफ से निकलेंगे, मतलब बिहार में सरकार बन चुकी है, एनडीए की सरकार वापसी की है, एनडीए की सरकार बिहार में वापस सत्ता में आई है। बीजेपी के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और बड़े सेटबैक में तेजस्वी यादव हैं, बड़े सेटबैक में इंडिया गठबंधन है। तो राजभवन के पास जो हलचल है वो कितनी तेज़ है इसे आप देख सकते हैं, एग्जिट गेट की तरफ बैरिकेडिंग लगाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ ही देर में जो समर्थन पत्र उन्हें बीजेपी की तरफ से मिला है, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से मिला है, वो अब वो सौंपेंगे राजभवन में राज्यपाल को। और इसके बाद राजभवन से फिर वो बाहर निकलेंगे, यही रास्ता होगा जहां से वो बाहर निकलेंगे। और शाम के 4 बजे, जी हां, कुछ घंटों के बाद सीएम नीतीश जो है वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर नौवीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ, पल पल की अपडेट आपसे हम साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।